मलेर एक्सप्रेसवे की दिसंबर 2020 में इनॉग्रेशन की गई। टोटल इसके 6 इंटरचेंजेस हैं। मलेर एक्सप्रेसवे का जो ट्रैक है वो 39.3 किलोमीटर का ट्रैक है। इसके कंप्लीट होते ही इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। और एक ट्रैक इन्होंने बिछा दिया हुआ है जिसकी 63% कम्प्लीशन का वो बोल रहे हैं कि इतनी कम्प्लीशन हो चुकी है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको शाह फैसल का जो इंटरचेंज है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी मशीनरी लगी हुई है, इसका काम बड़ी तेजी से जारी है। क्योंकि तो इंसानी फितरत जो है ना, वो इंसान हमेशा से अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन मिले, और हमेशा इंसान उस रास्ते का इंतखाब करता है जो आसान हो, इजी हो और सीधा सीधा हो। मलेर एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर साबित होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं गेम चेंजर नहीं, माइंड चेंजर साबित होगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मलेर एक्सप्रेसवे, अ वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग कराची टू द सुपर हाईवे इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली। 400 से ज्यादा मशीन्स यहाँ पर एक्टिवली एंगेज हैं। बेसिकली इसके दो फेज हैं। फर्स्ट फेज में कयूमाबाद, जाम सादिक कयूमाबाद और कोरंगी शाह फैसल, ये सारे एरियाज को कवर कर रहे हैं। और सेकेंड फेज इसका कायदाबाद से कठोर है। टोटल इसके 6 इंटरचेंजेस हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। मलेर एक्सप्रेसवे का जो ट्रैक है वो 39.3 किलोमीटर का ट्रैक है, और इट फीचर्स अ टू वे रोड, अ 3 लेन रोड एंड अ 4th लेन शोल्डर। और अगर इस पे स्पीड की बात करें तो स्पीड लिमिट यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप रख सकते हैं। एंड मलेर एक्सप्रेसवे विल अकोमोडेट ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। मलेर एक्सप्रेसवे की दिसंबर 2020 में इनॉग्रेशन की गई, और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कंपनी के तहत इसको जो है वो बनाया जा रहा है। मलेर एक्सप्रेसवे में जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, ये 25 ईयर्स तक इसकी जो प्रॉफिट होगी उसको एंजॉय करेंगे, और प्रॉपर 28 ईयर्स के बाद, चूंकि ये 3 साल का प्रोजेक्ट रिमेनिंग है, मतलब 1.5 साल पहले इसको जो है वो इसका आगाज़ हुआ, 2025 में इसका जो है वो कंप्लीशन टाइम रखा गया, और बाद में 28 साल बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। और इसमें बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है उन लोगों को जो डेली बेसिस पर सुपर हाईवे से ट्रैवल करते हैं कराची, या कराची से ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो बैरियर टाउन कराची या DHA या और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में आते हैं, उनके लिए दुश्वारी होती है। इस सफ़र को कम कर दिया गया है इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, इस सफ़र को बड़ा ही आसान कर दिया गया है कि इसके कम्प्लीट होते ही इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर रियल इस्टेट में इंशाल्लाह बूम भी देखने को मिलेगा। प्लॉट्स के रेट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये गुमान करते हैं कि अगर रास्ते कम हो जाएं, रास्ते सिमट जाएं, आसान हो जाएं, तो वो वहाँ से निकल के यहाँ पर ट्रैवल लाजमी करेंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि इस प्रोजेक्ट की यहाँ पर ज़रूरत भी थी। यार आज मैंने सोचा कि क्यों ना मलेर एक्सप्रेसवे को जो है वो जाके कवर किया जाए अच्छे तरीके से, कहाँ तक इसका काम हो चुका है और कितने परसेंट इसका कंप्लीशन का काम रिमेनिंग है, ये सारी चीज़ें हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह। इसकी ज़रूरत भी थी, मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर से हमारे पैनल से ये मलेर एक्सप्रेसवे की जो वीडियो है वो बिल्कुल भी पब्लिश नहीं हुई, तो इंशाल्लाह जो भी फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो हम अपने व्यूवर्स के सामने रखेंगे इंशाल्लाह। मलेर एक्सप्रेसवे के चूंकि दो फेज़ हैं, इसका जो फर्स्ट फेज़ है जो ख़ियाबान इत्तेहाद जाम सादिक से, जाम सादिक ब्रिज कयूमाबाद से लेके कायदाबाद तक, मतलब आप शाह फैसल तक कह सकते हैं, यहाँ तक जो है मतलब प्रॉपर एक ट्रैक इन्होंने बिछा दिया हुआ है जिसकी 63% कम्प्लीशन का वो बोल रहे हैं कि इतनी कम्प्लीशन हो चुकी है। और जो सेकेंड फेज़ है जो कायदाबाद से कठोर सुपर हाईवे तक आ रहा है, वहाँ पर डस्टी ट्रैक है और वहाँ पे जो कम्प्लीशन है वो 40% जो है वो इन्होंने कम्प्लीशन का बोला हुआ है, इतनी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ऑन साइड जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपने व्यूवर्स को जाके दिखाएं, और ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बताएंगे, मेंशन करेंगे कि हमें कितना टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा जब इसको कम्प्लीट कर दिया जाएगा यहाँ तक पहुँचने में। 2021 में सिंध हुकूमत ने मलेर एक्सप्रेसवे मनसूबे में तब्दीलियाँ की ताकि इसकी तमीर के नतीजे में बेघर होने वाले लोगों की तादाद को कम किया जा सके।
बेघर आबादी को मुतबादल रहायश भी फराहम की जाएगी। मलीर के डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि मलीर एक्सप्रेस वे जो रूट है उसमें तब्दीलियाँ शामिल करने के बाद तकरीबन 400 से 500 कंक्रीट और कच्चे मकानात को मस्मार किया जाएगा और 40 एकड़ निजी एराजी भी मंसूबे में शामिल की जाएगी। प्रोजेक्ट का डिज़ाइन और तामीर के वाले से अगर बात करें तो मलीर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट DBFOT मतलब डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट और मेंटेन और ट्रांसफ़र इंतजाम पर 28 साल की रायती मुद्दत के साथ तैयार किया जा रहा है, जिसमें 3 साल की तमीर और 25 साल के ऑपरेशन और मेंटेनेंस शामिल हैं। रायत दहिंदा इस मंसूबे की डिज़ाइनिंग और तमीर फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग और देखभाल के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा इस मनसूबे को जदीद टेक्नोलॉजी और मवाद के साथ तमीर किया जाएगा ताकि इसकी लंबी उम्र और पायदारी को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, मलीर एक्सप्रेस वे मनसूबे के एक हिस्से के तौर पे 3 फ्लाईओवर और 8 अंडरपास बनाए जाएंगे जो कयूमाबाद में KPT इंटरचेंज से शुरू होकर काठोर के करीब कराची हैदराबाद मोटरवे पर ख़त्म होंगे। देखो यार, जब से बैरिया से निकले हैं तकरीबन 1 घंटा हो गया, अभी तक हम ये शाह फैसल नहीं पहुँचे। यार मुझे तो लगता है कि जो बहुत ज़्यादा बिजी लोग हैं, जो अपने काम में मतलब सुबह शाम मेहनत करते हैं, यहाँ पे अपना टाइम देते हैं अपने काम को, तो उनके लिए तो कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो अभी उठ के वहाँ पर आएँ और आकर जो है वो विजिट वगैरह करें। मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा। जब ये मलीर एक्सप्रेस वे बन चुका होगा तो जाहिर सी बात है जब रास्ते सिमट जाएंगे, रास्ते आसान हो जाएंगे। एक ना इंसान की फितरत है जुनेद, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसानी फितरत जो है ना, वो इंसान हमेशा से अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन मिले, और हमेशा इंसान उस रास्ते का इंतखाब करता है जो आसान हो, इजी हो और सीधा सीधा हो। तो आप ये समझ लें कि इस वक्त जो रास्ता है वो बड़ा कठिन है, वो बड़ा मुश्किल है और बिल्कुल भी सीधा सीधा नहीं है और बड़ा मुश्किल रास्ता है। जब यही रास्ता आसान हो जाएगा तो लोग जो हैं वो ट्रैवल भी करना शुरू करेंगे और यहाँ पर आके अपना इंटरेस्ट लाजमी शो करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, हम इस वक्त मलीर एक्सप्रेसवे की रोड के ऊपर मौजूद हैं। ये डस्टी रोड यहाँ तक बिछा हुआ है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको शाह फैसल का जो इंटरचेंज है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी मशीनरी लगी हुई है, इसका काम बड़ी तेजी से जारी है। बेसिकली ये जो डिस्टेंस बनता है कायदाबाद से कठोर तक, ये तकरीबन 25 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता है। फेज़ टू कयामाबाद से, फेज़ टू जो जाम सादिक कयामाबाद और कुरंगी से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 15 किलोमीटर बनता है। तो जो 25 किलोमीटर का कंप्लीशन वर्क है वो तकरीबन 40% इन्होंने रिपोर्ट कर दिया हुआ है, और जो पीछे 15 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका जो कंप्लीशन वर्क है वो 63% जो है वो इन्होंने रिपोर्ट कर दिए। व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम आज हम ये मलीर एक्सप्रेसवे का जो डस्टी रोड है उस पर ट्रैवल कर रहे हैं अपनी गाड़ी पे। बेसिकली हमारा आज ये मकसद था कि हम देखें कि कहाँ तक ये ट्रैक बिछ चुका है या कहाँ तक इसका काम जो है वो डस्टी कम्प्लीट है। तो हमें ये पता चला है कि ये डस्टी ट्रैक एंड तक जा कर टच कर चुका है और 25 किलोमीटर पे डस्टी है, बाकी आगे जो कुरंगी से ऑनवर्ड जो वो कयूमाबाद और ये जो जाम सादिक तक जो है वो सारा मतलब के ट्रैक प्रॉपर बिछ चुका है। ठीक है, आगे काम आप देख रहे हैं इनका जारी और सारी है और जगह जगह पे इनकी टीम बैठी हुई है। हर पॉइंट पे जहाँ पे हम स्टे करते हुए आ रहे हैं वहाँ पे मशीनरी भी लगी हुई है, जहाँ पे ये ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं या इंटरचेंज बन रहे हैं, सारे काम इस वीडियो के थ्रू इंशाल्लाह आज हम आपको दिखाएंगे। मलीर एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर साबित होगा। नहीं, गेम चेंजर नहीं, माइंड चेंजर साबित होगा।